नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC उड़ान पर। जैसा आप लोग जानते हैं, मैंने इससे पहले मॉडल्स के आपको 3 लेक्चर्स दिए थे। इसमें मैंने आपको सारी मॉडल्स को एक्सप्लेन किया था, मे का कहाँ यूज़ होगा, कैन का कहाँ यूज़ होगा, कुड का कहाँ यूज़ होगा, माइट का कहाँ होगा, डेयर का, नीड का, यूज्ड टू, ऑट टू, हैव टू, इस तरीके की सभी मॉडल्स के मैंने यूज़ बताए थे। यूजेस कहाँ कहाँ पर कौन सा मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को नहीं है जानकारी इन मॉडल्स के बारे में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर मॉडल्स के नाम से एक सॉफ्ट फोल्डर बना हुआ है, आप उस फोल्डर से इन तीनों वीडियोस को देख लीजिए, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज को अटेंड कीजिए। ठीक है गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आते हैं क्वेश्चंस। मैंने इसमें 40 फिलअप्स ले रखे हैं, आप लोगों को पूरा देखना है इस वीडियो को, और साथ के साथ मैंने इसमें एरर्स भी ले रखी हैं कि किस तरीके की एग्ज़ाम में एरर्स आती हैं, और साथ के साथ मैंने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी ले रखा है जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है गाइस, तो आपके लिए अगर आपको ये मॉडल आती भी हैं फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक बार पूरा लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक है गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वहाँ पर देखिए रेड कलर का इस तरीके से लिख कर आ रहा होगा सब्सक्राइब, तो उस पर क्लिक कर दीजिए, और बाद में उसके बाद में आपको एक बेल आएगी नज़र, तो बेल पर भी एक बार क्लिक कर दीजिए, फिर बेल हो जाए इस तरीके की, तो समझ लीजिएगा कि हमारा नोटिफिकेशन अपडेट हो गया है अब, और जब भी हमें वीडियो कोई भी अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम फर्स्ट अपना देख लेते हैं क्या कह रहा है। I swim across this river, यहाँ पर देखिए I का यूज़ हुआ है, और क्या कह रहा है, swim across the river, मैं पूरा ये नदी पार कर सकता हूँ, तो यहाँ पर capability की बात हो रही है, उसकी capacity की बात हो रही है, तो capacity की बात के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, can का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, you lift this box, तो यहाँ पे भी क्या है, lift this box, ये भी उसकी capacity है उसकी, कि उसकी क्षमता है कि वो है इस डिब्बे को उठा सकता है, तो इस क्षमता के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इट रेन टुमारो, यहाँ पे देखिए टुमारो लगा हुआ है और कह रहे हैं कि शायद कल वर्षा होगी, तो मैंने आप लोगों को बताया था मे का प्रयोग संभावना के लिए, और साथ के साथ माइट का प्रयोग भी हम लोग संभावना के लिए यूज़ करते हैं। मे का हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब ज़्यादा संभावना हो, माइट का कब यूज़ करते हैं, जब थोड़ा कम संभावना हो, तो यहाँ पर देखिए कल की बात चल रही है, तो इसका मतलब थोड़ा सा कम ही संभावना होगी, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इट इज़ क्लाउडी, अब क्या कह रहा है, यहाँ पे बादल हैं, इट रेन तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि बादल हैं, इसलिए अब हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सक्सेस ग्रीट यू ऑलवेज, मैंने आप लोगों को बताया था जब हम किसी के लिए अच्छी मनोकामनाएं करते हैं तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम लंबी उम्र जियो, तो आप लोगों ने ये सुना होगा, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक, तो इन सेंटेंसों के लिए दूसरे को आशीर्वाद सा देते हैं, इन सेंटेंसों में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ही स्विम व्हेन ही वॉज यंग, वह तैरता था जब वह कैसा था, यंग था, तो ये पास्ट की बात है और कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो मैंने आप लोगों को बताया अपने लेक्चर में कि कैन का प्रयोग पास्ट में क्या बन जाता है, कुड बन जाता है, तो यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस है तो हम लोग यूज़ क्या करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, आई वी 30 नेक्स्ट ईयर, अब यहाँ क्या कह रहा है, वो 30 साल का हो जाएगा अगले साल, तो हो जाएगा भविष्य की बात कर रहे हैं, तो हम लोग भविष्य के लिए किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं, आप सभी जानते होंगे, सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच बुक आई बाय, अब यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को एक सेल के लिए बताया था कि सेल का यूज़ कहाँ करते हैं, सेल का प्रयोग आप सभी जानते होंगे आई के लिए और वी के लिए करते हैं, लेकिन इसके साथ में हम लोग किसका, विल का भी प्रयोग कर देते हैं, तो यही दोनों ही ठीक होते हैं, लेकिन जो याद करने वाली, दिमाग में बैठाने वाली बात क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा कभी, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है मतलब उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और सब्जेक्ट हमारे आई और वी हैं,
तो हम हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, शैल आएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वी टॉक टू द मैनेजमेंट, हमें बात करनी चाहिए, तो शैल का प्रयोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट क्या है हमारा वी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, आई था, तो इसमें भी क्या आएगा, शैल आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच मूवी वी गो। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है वी, तो यहाँ पे क्या आएगा, शैल का यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही नॉट अटेंड द पार्टी, ही नॉट अटेंड द पार्टी मतलब उसको अटेंड नहीं करनी चाहिए पार्टी, तो ही नीड नॉट उसको जरूरत नहीं है पार्टी को अटेंड करने की, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम लोग, नीड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वन डू वंस ड्यूटी, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो बहुत ही पुराना सा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द टीचर सेज दैट आई कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, टीचर ने कहा कि तुम इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, तो आई विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यू गो नाउ, तुम यहां से जाओ, यू शुड गो नाउ, तुम यहां से चले जाना चाहिए, तो यहां पे क्या करेक्ट रहेगा, शुड। नेक्स्ट है हमारा 15, ही स्टिल कम, अब देखिए यहां पे क्या आएगा, ही स्टिल कम वह आ रहा होगा, तो यहाँ पे किसका हम लोग प्रयोग करेंगे, कैन, क्या उसकी कैपेसिटी है ये आने की, तो हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, लीसा स्पीक फ्रेंच, ये देखिए उसकी कैपेसिटी है कि उसको फ्रेंच आती है, उसकी योग्यता है, एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी है कि उसको फ्रेंच आती है, तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, आई क्लिम द ट्रीज, तो मैं ट्रीज पर चढ़ता था, तो अब इसमें आप बताइए क्या आएगा। यहाँ पर देखिए उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कैन का यूज कैपेसिटी में करते हैं, लेकिन यदि सेंटेंस अगर पास्ट में दे रखा है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो, यू बोरो माई कार, यदि तुम चाहते हो तो तुम मेरी कार को उधार ले सकते हो, यू कैन बोरो माई कार। नेक्स्ट है 19, आई बोरो योर अम्ब्रेला, अब यहाँ पे किसी बड़े से रिक्वेस्ट की जाती है, मैंने आप लोगों को बताया था कैन और मे का हम लोग रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन कैसे कैसे कैन का यूज़ करते हैं, जब हम किसी अपने से बराबर के बारे में बात कर रहे हैं, और हम मे का यूज़ कब करते हैं, जब अपने से बड़े के बारे में बात कर रहे हों, या फिर किसी से रेस्पेक्ट में बात कर रहे हों, तो यहाँ पे देखिए आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं तुम्हारा अम्ब्रेला उधार ले सकता हूँ, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, मे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है, यू स्टिल कैच 10:30 ट्रेन, क्या तुम उसको 10:30 ट्रेन को पकड़ सकते हो, तो यहाँ पर भी किसका आ जाएगा, कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 21, यू स्टार्ट राइटिंग योर एग्जाम नाउ, तुम्हें लिखना चालू कर देना चाहिए, चाहिए निकल रहा है हिंदी सेंटेंस, तो क्या आएगा यहाँ पे, शुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यू लैंड मी 10 रुपीज, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो 10 रुपये, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए हम लोग पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पर, वुड होगा। गाइज मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे इनके ऑप्शंस भी देने चाहिए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, यू प्लीज ड्रॉप मी एट द स्टेशन, यहाँ पे भी क्या हो रही है, एक रिक्वेस्ट की बात हो रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट, भाई तू प्लीज मुझे स्टेशन तक छोड़ दे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वुड का यूज करेंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है हमारा 24, द हाउस इज वेरी कॉस्टली, घर बहुत महंगा है, दे बाय इट ऑल, अब यहाँ क्या आ सकता है, दे बाय यानी बहुत कम संभावना है वो खरीद पाए इसको, तो संभावना, कम संभावना के लिए मैंने आप लोगों को बताया था किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 25, वी गो फॉर अ वॉक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है और वी आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल आएगा, बहुत ही सिंपल सा। 26, आई सिट हियर, क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट आई, तो सेल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ही पासिस इफ ही स्टार्ट्स स्टडिंग, यदि वो पढ़ना स्टार्ट कर दे तो वह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो आप बताइए इसमें क्या आएगा, इफ कहां गए, ही स्टार्ट्स,
हेलो गाइस सॉरी, चलो 27 देख रहे थे हम लोग, क्या था सेंटेंस? ही पास इफ ही स्टार्ट स्टडिंग, वह पास हो जाएगा यदि वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो ये इसमें क्या है, संभावना है। क्या है? संभावना है। तो संभावना के लिए आप लोग सभी जानते हैं किसका यूज करेंगे हम लोग, मे का। अगर यहाँ पे बहुत कम संभावना आती, अब यहाँ पे कैसी पढ़ाई की बात कर रहा है, तो संभावना ज्यादा है उसके पास होने की, इसलिए हम लोगों ने मे का यूज किया। नेक्स्ट है हमारा 28, द टीचर नॉट इंकरेज सच बिहेवियर। टीचर को इस तरीके के बिहेवियर को इंकरेज नहीं करना चाहिए था, तो चाहिए था, तो शुड का प्रयोग होगा यहाँ पे। चाहिए वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड। नेक्स्ट हमारा 29, यू पे द प्रिंस प्राइस फॉर दिस बिहेवियर। तुम्हें इस बिहेवियर के लिए पैसे भरने पड़ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड। भरने चाहिए तो यहाँ पे भी क्या आएगा, शुड। नेक्स्ट हमारा 30, ही सेज दैट वी गो। यहाँ पे क्या कह रहा है, ही सेज दैट वी गो, वी शुड गो, हमें यहाँ से, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 31, इफ आई डैश अ वर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। देखिए इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जब कभी भी हम लोग अपनी इच्छा को रखते हैं। कैसी इच्छा? जैसे यदि मैं ये होता, यदि मैं राजा होता तो मैं अपनी प्रजा की देखभाल बहुत अच्छे से करता, इसी तरीके का ये सेंटेंस है। इफ आई वर, तो इन सेंटेंसों के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं उड़कर तुम तक पहुंच जाता। नेक्स्ट हमारा 32, वी रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारा 33, ओनली ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओनली ही मतलब उस केवल वही सॉल्व कर सकता है, केवल उसी के अंदर इतनी योग्यता है कि वो सॉल्व कर सकता है, इतनी एबिलिटी है कि वो सॉल्व कर सकता है, तो एबिलिटी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैन का। नेक्स्ट है हमारा 34, इफ ही कम टू मी, यदि वो मेरे पास आता है, आई हेल्प यू, तो मैं उसको मदद करूंगा, आई वुड हेल्प यू। विल का पास्ट लेंगे यहाँ पे तो वुड आएगा। नेक्स्ट है हमारा 31, वन ओवे वंस एल्डर, हमें क्या करना चाहिए, अपने एल्डर्स का बात माननी चाहिए, वन शुड ओवे वंस एल्डर। नेक्स्ट है हमारा 36, यू नॉट कम टुमारो, तुम्हें जरूरत नहीं है, क्या आएगा, नीड, यू नीड नॉट कम टुमारो। गाइस आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, नीड कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में आता है, नीड नेगेटिव सेंटेंस में भी आता है, और नीड पॉजिटिव सेंटेंस में भी आता है। यदि नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा है, मतलब सेंटेंस में नॉट लग रहा है, तो ये अपने साथ टू नहीं लेता, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर यदि पॉजिटिव सेंटेंस में आ रहा है नीड, तो हमेशा अपने साथ टू लेगा, ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 37, ही नॉट चीट एनी वन अगेन, मतलब अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं है वो किसी को धोखा दे सके, इसका मतलब डेयर, इतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर। यही चीज किसके साथ होती है, डेयर के साथ होती है, जैसा नीड के साथ होता है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में टू नहीं आता है, और पॉजिटिव सेंटेंस में डेयर के साथ टू आता है। नेक्स्ट है हमारा 38, ही टू वर्क हार्ड, ही हैव टू वर्क हार्ड, उसको मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 31, लेट अस डांस टुगेदर, वी लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक बात और देखनी है, लेट के साथ जब भी कभी भी सेंटेंस, या तो नॉर्मल सेंटेंस हो, या फिर सिंपल सेंटेंस हो, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, हमेशा लेट के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, जब कभी भी इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो। ठीक है गाइस, आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा गाइस, तो इससे क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो और लेकर आऊँ तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। लिंक लाइक वाइक कर दीजिए, करिए, इससे कुछ नहीं जाता है आपका, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा 40, ही रादर डाई देन बैग। यहाँ पे देखिए रादर और देन का यूज होता है, तो इनका पेयर किसके साथ बनता है, ही रादर देन वुड, रादर वो किससे बनता है, वुड के साथ इनका पेयर बनता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस देखने वाले हैं,
ये दे रखा है, इफ सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो हमें किस पे मार्क करना है, नो एरर पे। फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आई डिड ऑल दैट, मैं ये सब कर सकता हूँ, दैट आई कैन। यहाँ पर देखिए कैन तो यूज़ कर लिया लेकिन सेंटेंस किस में था, पास्ट में, तो ये क्या है, एरर है। यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट है सेकंड, आई ओपन द डोर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, आई, और यहाँ पर इन्हें विल का यूज़ कर दिया, गलत, शैल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्री, कैन आई हैव अ टॉक विद यू, यहाँ पे देखिए इंटेरोगेटिव, आई और कैन का यूज़, ठीक, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा, कैन की जगह क्या हो जाएगा, कैन आई हैव अ टॉक विद यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, मे आई टॉक विद यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक रिक्वेस्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ही टोल्ड मी दैट ही कैन लैंड मी हिज अम्ब्रेला, यहाँ पर देखिए टोल्ड लगा हुआ है और यहाँ क्या लगा दिया, कैन लगा दिया, तो इसकी जगह क्या आएगा, कुड आएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, आई विल बीट यू, आई विल बीट यू, ये सिंपल सा सेंटेंस है, मैं तुम्हें पीटूंगा, तो यहाँ पे नो एरर जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं, इम्प्रूव द सेंटेंस, इफ नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड देन मार्क नो इम्प्रूवमेंट। देख लेते हैं, दो ही क्वेश्चन हैं शायद इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू शैल स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो यू शुड स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, वर्क हार्ड लेस्ट यू कैन फेल, आपको पता होना चाहिए लेस्ट का पेयर किससे बनता है, हमेशा शुड से बनता है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, शुड का यूज करेंगे, सिंपल सा। ठीक है गाइज, इस वीडियो को यहीं रखते हैं, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इस करते रहेंगे। आप लोग मुझे बस बता दीजिए, जो भी आप लोगों को चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी उन चैप्टर्स की एक वीडियो बनाएंगे पूरा सॉल्यूशन करके, फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए कीजिए, अच्छा लगता है गाइज, और लाइक कीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों का कोई भी इससे पैसा नहीं लग रहा है, आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लग जाता है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सिंपल सा लाइक और कमेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।